हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा श्रद्धास टेरेस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोगनविलिया की ग्राफ्टिंग की थी। एक प्लांट पे मैंने चार ग्राफ्टिंग की थी, तो मैं अब आपको उसकी पॉलीथिन रिमूव करके बताऊंगी। देखते हैं हम हमारी कितनी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है और कितनी अनसक्सेस हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्टिंग करना आसान होता है, लेकिन इसकी ये पॉलीथिन रिमूव करना बड़ा कठिन कार्य है भैया। ओके, ये देखिए, ये हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुई है, क्योंकि ये इसमें नीचे वाली जो इसकी स्टैम्प है उसमें से ये ग्राफ्टिंग आई है। और देखिए ये वाली मैंने खोली है, ये सक्सेस है हमारी, क्योंकि इसमें पूरे में यहाँ पे लीव्स आ चुकी हैं। एक ये सक्सेस है, ये अनसक्सेस है। और कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जब हम खोल देते हैं उसके बाद भी कई कई ग्राफ्टिंग अनसक्सेस हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़े दिन तक एक बार चेक करने के बाद हमें ये पॉलीथिन को इसके ऊपर ही ऐसे लगा के रखना चाहिए 4-5 दिन के लिए। और अभी ये दो और मैं बाद में रिमूव कर लूँगी। तो देखिए मेरी ये वाली भी सक्सेस है और ये ऐसा लग रहा है कि ये अनसक्सेस है। तो ये अनसक्सेस होने का कारण ये होता है फ्रेंड कि कई बार हम जिस प्लांट से हम डाली लेते हैं वो प्लांट्स में कई बार क्या होता है कि मैच्योर नहीं होती है डाली, या बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है। तो इस वजह से आप कम 6-7 महीने पुराना जो न्यू सूट्स होती हैं वो 6-7-8 महीने पुरानी सूट से करेंगे तो कभी भी आपकी अनसक्सेस नहीं होगी। लेकिन मुझे करना ही था बोगनवेलिया की इसको ग्राफ्टिंग, इस वजह से मैंने किया। होप करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।